IIJW के Day 3 में हमारे साथ हैं हैंडसम हंक कुंवर अमर और हमारे साथ हैं रित्विक। तो क्या कर रहे हो? हैंडसम हंक नहीं अरे हैंडसम दोनों के लिए बोला। थैंक यू। तो फिर कैसा लगा आपको? मुझे यार इट्स बिन अ फैब एक्सपीरियंस बिकॉज मेरा ये दूसरा बार लास्ट ईयर आई वाज हियर बट इस पर्टिकुलर ईयर में मैं सिर्फ एक ही शो देख पाया अलका जी का एंड आई लव द कलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। सो इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस टू बी हियर एंड सी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट क्रिएटिव माइंड्स कम आउट टुगेदर और जो मज़ा क्रिएट होता है ऑन स्टेज, इट्स फैबुलस। अमर, आप क्या कहना चाहेंगे? इट वाज आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो जो क्रिएटिविटी इन लोगों ने यूज़ करी दैट इजिप्शियन थीम को लेकर के इंडियन आउटफिट्स के साथ में हमारी मॉडल्स को जो रैम्प कराया है, दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट वंडरिंग हमारी भाभियाँ जितनी भी हैं मतलब गाँव, और अगर उन लोगों ने इजिप्शियन गाउन वाउन पहन के चले गए अपने कथा करने के लिए तो मतलब it'll be a different feel altogether ना। पर you know that'll be very funny कि इजिप्शियन कॉस्ट्यूम पे हमारी भाभियाँ गिद्दा पा रही है हमारी सारी भाभियाँ गिद्दा पा रही इजिप्शियन कॉस्ट्यूम पहन के। Hence, this is proof that हमारे इंडियन आउटफिट में इतना मैजिक है कि किसी के भी कल्चर को कैरी हम कर लेते हैं। Yes. वहाँ पे जहाँ चार्ली को और आप अपने उनको देखना चाहेंगे कभी इस तरह इजिप्शियन ड्रेस में? Yeah, why not? And I think we both are very lucky in that matter because हमारी जो हैं better half. I think इन सब collections के साथ बहुत ज़्यादा pretty लगेंगे। I think इस collection को वो चार चांद लगा। I believe चार्ली एंड आशा बोथ, उन दोनों को ये एक तो रैंप वॉक का बहुत शौक है। Yes. मैं सबको बता दूं वो लोग ये रैंप वॉक दे डाई टू बी ऑन द रैंप इज बिकॉज आई थिंक दोनों को मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों को शायद तैयार होने का बहुत शौक है, प्रिटी दिखने का और अच्छी नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। बिल्कुल। सो आई थिंक they'll do a fab job. अपार्ट फ्रॉम आशा और चार्ली, हम अगर पूछना चाहें तो आप किन को देखना चाहोगे रैंप पे? आपने हमें जूते खिलवाने उनके अलावा हम किसी को देख सकते हैं? जी नहीं, बट उसके अलावा ऐसे क्या सो मेनी पीपल who can carry this off. I think there's so such pretty women in our industry. Exactly. I think मेरी तो हर बार एक ही ख्वाहिश होती है, मिस दीपिका। तो अगर वो आएंगी तो वैसा कुछ है तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ सानिया। तो ठीक है, आप समझ गए ना मिर्जा जी, बस इतना समझ लीजिए, बस बाकी मिल गया आप लोगों को, बाकी हम बाद में मिलते हैं। मतलब हम बता दें चार्ली और आशा आपको भी कि दीपिका और सानिया बाद में जाने के बाद उनसे खबर ले लीजिएगा कि कौन देखना किसको चाहता है। वैसे ऋत्विक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आशा इंडियन आइडल क्या बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या कहेंगे उसको? यार आई एम रियली हैप्पी इज़ बिकॉज उसे इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो एंकरिंग शुरू करने वाली थी। आई वॉज नॉट रियली श्योर कि वो कैसे कर पाएगी, विल शी भी ज़्यादा नर्वस हो जाएगी, कोप अप कर पाएगी, बट वो बंदे फाड़ रही है। शी इज़ डूइंग अ फैब जॉब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जूनियर को फॉलो करता हूँ, आइडल जूनियर को, एंड क्योंकि वो बहुत अमेजिंग टैलेंट है। एंड आशा इतनी प्यारी एंकर, मैंने इतनी प्यारी फीमेल एंकर नहीं देखी। जो जितने भी लोग आते हैं दे आर वेरी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, बट जिस तरह से वो करते हैं जितनी ज़्यादा झल्ली है उतना ही अच्छा लगता है। बहुत क्यूट है, बहुत झल्ली, बहुत अच्छा काम कर रही है। बट आई एम रियली ग्लैड दैट एवरीबॉडी इज लाइकिंग हर एंड I'm very happy and cheered up. Okay, ठीक है, थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू अमर। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।